देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दोषी पवन ने दाखिल की क्यूरेटिव याचिका, सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग। निर्भया केस के दोषियों की फांसी में लगातार देरी देखने को मिल रही है। वहीं अब दोषी पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की। इस याचिका में पवन गुप्ता ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की है। दरअसल निर्भया रेप केस के चार दोषियों की फांसी की तारीख नजदीक आ रही है। दिल्ली की एक अदालत ने नया डेथ वारंट जारी करते हुए 3 मार्च की सुबह फांसी दिए जाने का ऐलान किया था। हालांकि इससे पहले भी डेथ वारंट जारी हुए हैं, लेकिन फांसी टलती रही। क्या है निर्भया गैंगरेप केस? दिल्ली के वसंत विहार इलाके में 16 दिसंबर 2012 की रात 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा निर्भया के साथ चलती बस में बर्बर तरीके से सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस जघन्य घटना के बाद पीड़िता को इलाज के लिए सरकार सिंगापुर ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस घटना में दोषियों ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में रॉड तक डाल दी थी। इस भयावह घटना के बाद देश भर में विविध प्रदर्शन हुए थे। इस घटना की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई थी। वही निर्भया के एक दोषी राम सिंह ने केस की सुनवाई के दौरान ही खुदकुशी कर ली। घर में घुसकर 12 साल की बच्ची के साथ दो नाबालिग छात्रों ने किया बलात्कार। गाजियाबाद के थाना मोदी नगर क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कक्षा 3 में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ दो छात्रों के द्वारा रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। हैरत की बात तो यह है कि दुष्कर्म करने वाले दोनों छात्र भी नाबालिग हैं। दुष्कर्म के दोनों कथित आरोपियों में से एक कक्षा 9वीं और दूसरा कक्षा 10वीं में पड़ता है। दोनों दोषी छात्रों की उम्र लगभग 13 और 14 वर्ष बताई जा रही है, जबकि पीड़ित लड़की की उम्र 12 वर्ष है। घटना की शिकायत कर पुलिस ने दोनों आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है और पोक्सो एक्ट में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।